सेवक माननीय श्री पराग भाई साहब आपकी सोसाइटी में आपकी बिल्डिंग के नीचे आए हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ विस्तार में जो फ्लड हुआ है उनकी स्थिति है, आपको कुछ भी डोनेट करना है कृपया आप नीचे आ जाइए। उत्साह और जोश के साथ लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद किया। सातारा, कोल्हापुर, सांगली सहित महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में आई भीषण बाढ़ पीड़ितों के लिए मुंबई उपनगर के घाटकोपर पूर्व विभाग के नगर सेवक पराग शाह ने मदद का हाथ बढ़ाया है। इस विपदा से निपटने के लिए नगर सेवक पराग शाह खुलकर आगे आए हैं। इस नेक काम में पराग शाह के साथ साथ मुंबई के दर्जनों समाज सेवी संस्थाओं ने मिलकर हिस्सा लिया है, जिनमें प्रमुख रूप से रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, पारस धाम, ब्राह्मण समाजवादी, अरहम युवा ग्रुप, रोटरैक क्लब, लियो क्लब, स्थानकवासी जैन संघ, जैन जागृति सेंटर और घाटकोपर विकास मंच आदि शामिल हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए जितने भी हम लोग मदद कर सकेंगे वो कम ही है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं और हम लोग उधर जाके भी आए तो कोल्हापुर, सांगली में, नासिक में, रायगढ़ में बहुत हानि हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह की बाढ़ आ गई। सरकार भी सब जगह से मदद कर रही है, हर पार्टी भी मदद कर रही है, हमारी शिवसेना भी मदद कर रही है। आज पराग शाह जी ने भी ये रैली निकाली है और हम लोग भी माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के आदेश से हर वार्ड में से बहुत बड़ी प्रमाण में हम लोग मदद जमा करके सेना भवन में भेज रहे हैं। और सांगली, कोल्हापुर में जो हमारे लोग हैं शिवसेना के, वो वहाँ से हम लोग को कहते हैं कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या भेजना चाहिए, उस हिसाब से एक संकलन करके सेना भवन से गाड़ियाँ वहाँ पे लेके जा रही है। डॉक्टर्स लोग का पथक गया है, एम्बुलेंस गई है और हम लोग लोकल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा मदद, नया कपड़ा, अनाज, बिस्लरी बॉटल, पानी का बॉटल का और फिनेल, सफाई करने के लिए फिनेल की, ब्लीचिंग पाउडर की बहुत आवश्यकता है, तो वो सब चीज़ें हम लोग डम करके यहाँ से भेज रहे हैं और उन लोगों के लिए जितना भी हम लोग मदद करें वो कम है। खबर के अनुसार शुक्रवार को देश के सबसे अमीर नगर सेवक पराग शाह का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए घाटकोपर पूर्व के विक्रांत सर्कल से पूरे घाटकोपर पूर्व इलाके में दर्जनों की तादाद में गाड़ियों ने घर घर जाकर लोगों से सहायता सामग्री जमा किया। खुद पराग शाह ने भी हाथ में दान पात्र लेकर दुकान दुकान और घर घर जाकर बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगा। आपको बता दें कि पराग शाह का जन्मदिन स्वतंत्रता दिवस के एक दिन बाद होने के कारण हर साल बड़े धूमधाम से कार्यकर्ताओं के साथ मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस साल महाराष्ट्र के सतारा, सांगली और कोल्हापुर में आए भीषण बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इसके चलते इस बार उन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। ये टाइम का मेरा जन्मदिन हम बाढ़ पीड़ितों के लिए मना रहे। मैंने लोगों को अपील दी थी, आज मेरी टीम लास्ट 30 महीने से 24/7 लोगों को सर्विस दे रही है और मैंने लोगों को अपील की है कि आज मुझे बर्थडे गिफ्ट के हिसाब से आप बाढ़ पीड़ितों को मदद करो। हम लोग सुबह से निकले हैं,
और बहुत काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, घर घर से लोग आ रहे हैं। अभी तक कम से कम 10-1 लाख रुपया जमा भी हो चुका है और बाकी के सामान भी आ रहे हैं, और हम बाढ़ पीड़ितों को अच्छे में अच्छी मदद कर सके वही भगवान को प्रार्थना करें। आज सुबह लगभग 10 गाड़ियां विक्रांत सर्कल से पूरे घाटकों पर पूर्व इलाके में सहायता सामग्री जमा करने के लिए निकल चुकी हैं। लोगों ने भी खुलकर मदद किया है। अब तक 5,100 साड़ियां, 200 कुर्ती, 2,000 ब्लैंकेट, 1,500 शर्ट, 200 टी शर्ट, 1,000 पीस नैपकिन, 200 प्रेशर कुकर, 300 सेट फावड़ा और घमेला, 1 सेट वाटर प्यूरिफायर प्लांट जिससे लगभग हर घंटे 3,000 लीटर पानी फिल्टर किया जा सकेगा, 4,000 फिनाइल की बोतलें, 400 लीटर ब्लीचिंग पाउडर, 24,000 पीस सैनिटरी पैड, 1,800 जोड़ी बच्चों के कपड़े, 1 ट्रक पुराने पहनने लायक कपड़े, 2,000 सेट स्टील की थालियां, 500 पेटीकोट सहित 10 लाख रुपए कैश अब तक जमा हो चुका है। जमा हुआ सभी सहायता सामग्री मुख्यमंत्री सहायता केंद्र में जमा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पराग शाह मुंबई के सबसे अमीर नगर सेवक के रूप में पहचाने जाते हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि पराग शाह अपने जन्म दिवस के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए खुद घर घर जाकर सहायता सामग्री जमा करने वाले हैं, ये सुनकर लोग भी सड़कों पर उतरे और पराग शाह का खुलकर मदद का हाथ बढ़ाए। एक्चुअली पब्लिक का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आज मेरा दवाखाना बंद रख के आज पराग भाई की अपील को मान रख के मैं उनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, घर घर से लोग बहुत आ रहे हैं, बहुत अच्छा जमा कर रहे हैं, सब लोग दिल से डोनेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पराग भाई को इससे अच्छी गिफ्ट कोई नहीं दे सकते। विकास मंच के अध्यक्ष एवं स्थानीय समाज सेवक सुशील गुप्ता ने बताया कि पराग शाह घाटकोपर के लोगों के लिए हमेशा मददगार रहे हैं। घाटकोपर के लोगों को पता चला कि पराग शाह अपने जन्मदिन के अवसर पर बाढ़ पीड़ितों के मदद के लिए लोगों से अपील किए हैं तो लोगों में भी उत्साह दिखा और खुलकर मदद किए। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में और भी लोग शामिल होकर सहायता सामग्री दान करेंगे। देखिए घाटकोपर पूर्व के सारे जितने भी रहवासी हैं सभी लोगों ने उनको समर्थन किया हुआ है, उनको बर्थडे गिफ्ट बोल के ये जो बाढ़ पीड़िता के लिए जो उन्होंने अपील की थी उसके लिए सभी लोग तैयार थे। और सुबह से लोगों का जिस तरीके से उत्साह देखा जा रहा था, लोग एक साथ जुड़ के एक साथ एक चौक पर खड़े होकर वेट कर रहे थे पराग शाह जी का, और उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने मदद की है। बहुत सारे सामान, सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पूरे घाटकोपर में घूम रही हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। पराग भाई को हैप्पी बर्थडे टू यू, यही गिफ्ट है पराग भाई के लिए। और सारे बाढ़ पीड़ितों की मदद बहुत अच्छे से घाटकोपर के सारे रहवासी, सारे लोग जुड़े हुए हैं। 9 बड़ी बड़ी संस्थाएं जो घाटकोपर की सबसे बड़ी ट्रस्ट है वो लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बाढ़ पीड़ितों को मदद की है।